त्याग, बलिदान, समर्पण, ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, क्योंकि इन शब्दों को चरितार्थ करने के लिए इस देश के कई वीरों ने और उनके परिवारों ने अपना सब कुछ इस देश पर न्यौछावर कर दिया। आज मैं दिन जिन दो जवानों की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उस कहानी में त्याग, बलिदान और समर्पण की एक नई परिभाषा लिखी गई है। मेजर कुमंदूर प्रभाकर विनय और मेजर दिनेश रघुरमन 34 राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा थे। दोनों के ही जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही थी। एक के सिर पर सहरा सजने वाला था तो दूसरे के जीवन में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। कहते हैं किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है माता पिता बनने का सुख, अपनी औलाद को गोद में लेकर उसे दुलारने का सुख, उन नन्ही उंगलियों का स्पर्श, ये सब कुछ अद्भुत होता है। भारतीय सेना के मेजर दिनेश के जीवन में भी महज 2 महीने बाद ये खुशी आने वाली थी। वो पिता बनने वाली थी। उनकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी अपने मेजर पति के साथ रहने के लिए लंदन से वापस भारत आ गई थी। मेजर दिनेश की पत्नी, जो कि एक भारतीय टेक कंपनी में कार्यरत थी, वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंदन गई हुई थी। मेजर दिनेश जब आखिरी बार छुट्टी से वापस ड्यूटी पर जा रहे थे तो उन्होंने पत्नी से कहा था कि क्या वो अपनी छुट्टियों को बढ़ा ले ताकि वो और वक्त अपनी पत्नी के साथ बिता पाए। लेकिन पत्नी ने मेजर दिनेश को समझाते हुए कहा था कि बच्चे के जन्म पर उन्हें छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी। मेजर दिनेश ने छुट्टियों की अर्जी अब लगा दी थी, जो कि मंजूर भी हो गई। उधर मेजर केपी विनय के घर हैदराबाद में भी शादियों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। सबको मेजर विनय के घर आने का इंतजार था ताकि बचे हुए कामों को पूरा किया जा सके। मेजर विनय की छुट्टी पहले ही सैंक्शन हो चुकी थी। अक्टूबर 29, 2007 को उनकी शादी थी। इन दोनों घरों की चौखट पर खुशियों ने अपनी अभी दस्तक दी ही थी, लेकिन शायद नियति ने तो कुछ और ही तय कर रखा था। कश्मीर, साल 2007। इस साल यहां आतंकियों की गतिविधि में काफी इजाफा हुआ था। कई एनकाउंटर इस साल हो चुके थे, सेना के जवान भी शहीद हुए थे और बहुत सारे खूंखार आतंकवादी भी मारे गए थे। पड़ोसी देश पाकिस्तान का समर्थन पाकर आतंकवादियों के हौसले बुलंद थे। ऐसी स्थिति में एलओसी पर स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी। आतंकी सरहद पार से घुसपैठ की फिराक में हर वक्त रहते थे। सितंबर महीने से ही लगातार आर्मी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट आ रही थी कि लश्कर-ए-तौयबा के टॉप कमांडर आतंकी कश्मीर में दाखिल होकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआत में ही मेजर केपी विनय की टीम को गुप्त सूचना मिलती है कि बारामूला जिले के तनमर्ग इलाके में गांव एक रिंगवाड़ी में करीब 8 से 9 आतंकवादी छिपे हुए हैं। सूचना विश्वसनीय सूत्रों से थी। मेजर विनय बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए अपनी घातक टुकड़ी के साथ संदिग्ध स्थान की ओर निकल गए। पूरे गांव को घेर लिया गया। इसी दौरान आतंकियों को सेना के आने की भनक लग गई। ये सभी आतंकी वेल ट्रेंड और आधुनिक हथियारों से लैस थे। सेना को देखते ही आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी और इसी आड़ में सेना का सुरक्षा घेरा तोड़कर भागने की कोशिश भी की। लेकिन मेजर केपी विनय का बिछाया हुआ जाल इतना सख्त था कि आतंकवादियों ने 3 बार उसे तोड़ने की कोशिश की और वो 3 बार नाकाम हुए। अब तक 2,500 राउंड फायर हो चुके थे। इस बीच मेजर दिनेश रघुरमन रीइंफोर्समेंट के लिए अपनी टीम के साथ मुठभेड़ वाले क्षेत्र में पहुंच चुके थे। अभी मुठभेड़ चल ही रही होती है कि मेजर दिनेश को एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस ओर जाते हैं तो वहां मेजर विनय घायल अवस्था में गिरे रहते हैं। उनके 2 और साथी बुरी तरह घायल पड़े हुए थे। सेना के जवानों का एक नियम है, घायल साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ना। इसी नियम या कहें इसी परंपरा का पालन करते हुए मेजर दिनेश मेजर विनय की ओर अपनी जान की परवाह किए बिना भारी गोलीबारी के बीच बढ़ते हैं और मेजर विनय को और उनके 2 साथियों को वहां से सुरक्षित निकालते हैं, जहां से उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है।
मेजर दिनेश अब उस ओर बढ़ते हैं जहां से आतंकी लगातार हैवी फायर कर रहे होते हैं। बिल्कुल नजदीक की लड़ाई में वो एक एक कर दो आतंकियों को मार गिराते हैं। इसी बीच एक दूसरे घर में छिपा आतंकी उन पर गोलियां बरसाने लगता है। मेजर दिनेश रघु रमन को सीने और पैर में गोली लगती है। इतना घायल होने के बाद भी वो तीसरे आतंकवादी को मारने में सफल होते हैं और लगातार तब तक अपनी टीम को निर्देश देते हैं जब तक वो उन गोलियों के असर से बेहोश नहीं हो जाते। 2 अक्टूबर 2007 को 36 घंटे तक चली इस पूरी मुठभेड़ के दौरान मेजर दिनेश और मेजर विनय ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेजर दिनेश पिता बनने वाले हैं और मेजर विनय की शादी होने वाली है। चाहते तो दोनों इस एनकाउंटर का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन देश के प्रति उनके कर्तव्य सबसे पहले आते हैं, फिर परिवार आता है और आखिरी में आते हैं वो खुद। मेजर दिनेश रघुरमन और मेजर केपी विनय इस एनकाउंटर में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस मुठभेड़ में लश्कर के 9 आतंकी मारे गए थे। हैदराबाद में मेजर विनय के घर उनके अमर बलिदानी होने की सूचना दी गई। वहीं मेजर दिनेश के घर भी सूचना पहुंचाई गई। अभी कुछ वक्त पहले ही जिस घर में सहनाई बजने वाली थी वहां अब मातम का सन्नाटा पसरा है। जिस घर में नन्ही जान की किलकारियां गूंजने वाली थी वहां अब कलेजे को चीर देने वाली चित्कार सुनाई दे रही है। एक परिवार ने अपना लाडला खो दिया तो दूसरे परिवार में एक बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही अपने पिता को खो दिया। मेजर दिनेश के पिता ने अपने बेटे को अंतिम विदाई देते हुए कहा था कि मैं अपने बेटे की आने वाली संतान को भी फौज में भेजूंगा। मेजर विनय अपने भाई से अक्सर कहा करते थे कि वो इस देश के लिए अपनी जान तक दे देंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। ये वो परिवार हैं जो अपना सब कुछ देश को देने के बाद भी सीना ठोक के कहते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी भी देश सेवा में लगाएंगे। मेजर दिनेश रघु रमन को मरणोपरांत उनकी असाधारण वीरता, साहस और पराक्रम के लिए शांति काल के दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं मेजर केपी विनय को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारी आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। मेजर दिनेश और मेजर विनय जैसे भारत मां के वीर, इसकी कीमत हर रोज कहीं ना कहीं किसी सरहद पर किसी ना किसी आतंकी की गोली से जान गंवाकर चुका रहे हैं। अमर बलिदानी मेजर दिनेश रघु रमन और अमर बलिदानी मेजर केपी विनय को शिवालिक जनरल सत सत नमन करता है और आपके बलिदान का ये देश सदैव सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।